हे व्हाट्स अप गाइस, क्या सब सभी लोग वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि पिछले दिन मैंने कुछ गाड़ियाँ चुरा कर ले गए थे, वो एक माफिया डॉन का था और उस माफिया डॉन ने मेरे घर पे आके एमेंडा जिमी सबको किडनैप करके लेकर चला गया। और अब भी मैं जाने वाला हूँ लेस्टर के पास, जहाँ पर लेस्टर, फ्रैंकलिन और ट्रेवर भी होगा। इन तीनों के पास मैं अभी जाने वाला हूँ। मेरे पास जितने भी गाड़ियाँ सुपर कार थे, सारे के सारे गाड़ियाँ चूरा करके मेरे से वापस लेके चला गया और साथ में एमेंडर जिमी को भी लेके चला गया। अभी मैं उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा मैं अभी उन दोनों को मिस कर रहा हूँ। तभी मैं बहुत ही जल्दी गाड़ी को चला करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सकता है मैं उन सबको रिकवर करके घर पर ले आऊँगा। मैं अब भी मैं जा रहा हूँ लेस्टर के पास और लेस्टर मुझे कुछ प्लानिंग बोल देगा कि ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा, उसके मदद से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। मैं अभी गाड़ी को इधर पार्क कर देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर ये गाड़ी को लेकर नहीं जाऊँगा। ये गाड़ी बहुत ही सस्ता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे डॉन वगैरह रहेगा, बहुत सारे गुंडे वगैरह रहेगा उस माफिया डॉन का, तो इसके लिए बहुत ही एक तगड़ा सा गाड़ी चाहिए। देखता हूँ अभी लेस्टर कहाँ पर है। अब भी तो यहाँ पर लेस्टर नहीं है, लेस्टर शायद नीचे होगा जहाँ पे हमारा सीक्रेट बेस है। ऊपर हेलीकॉप्टर है, मैं अभी जाके देखता हूँ। इधर मैडम जी सिगरेट पी रहे, मैं इधर जाके देखता हूँ। यहाँ पर लेस्टर के बहुत ही सारे कीमती कीमती गाड़ियाँ हैं। हाँ, यहाँ पर लेस्टर जी है। नमस्ते लेस्टर भैया। ओ, फ्रैंकलिन भी इधर है। फ्रैंकलिन लगता कुछ देख रहा है, देख रहे हो लेस्टर के पास कितना सारा पैसा है। लेस्टर मतलब बहुत ही गरीब, मतलब बहुत ही अमीर है लेस्टर, बहुत ही अमीर। ये सारे हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक बैंक को लूट किया था, ठीक है, वहाँ से आया ये सारे पैसे। ये बंदा लगता कुछ मैप वगैरह कर रहा है। लेस्टर बोल रहा है शायद इसको ऐसे ऐसे करके मैप करना पड़ेगा। ये बंदा देख के कुछ मैप कर रहा है, बहुत ही बढ़िया है, कि मुझे जितना जल्दी हो सकता है मुझे एमेंडा और जिमी को मुझे घर पर लेके आना होगा। ठीक है, अभी लेस्टर ने मुझे पूरा प्लानिंग बोल दिया। लेस्टर ने मुझे बोला कि फ्रैंकलिन जाएगा वहाँ पर, मतलब अभी फ्रैंकलिन जो गेटअप में, न्यू गेटअप में आके ड्रेस वगैरह चेंज करके, अपने हुलिया चेंज कर गए, ठीक है, वहाँ पर जाएगा, उस डॉन के पास जाएगा और देखेगा कि क्या लफड़ा है वहाँ पर, क्या मामला है वहाँ पर, वो सब कुछ फ्रैंकलिन मुझे देख के बोलेगा। देखते हैं अभी आगे क्या होता है। फ्रैंकलिन अभी जाएगा वहाँ पर। अभी मेरा मन मतलब बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पे ये दो लड़की बैठा हुआ है, मैं भी इधर जाके बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो चलो अभी फ्रैंकलिन अभी जाएगा। फ्रैंकलिन ने पूरा अपना ड्रेस वगैरह पूरा चेंज कर लिया, अपने हेयर कट भी कर लिया, एक न्यू सूट भी फ्रैंकलिन ने खरीद लिया। अभी फ्रैंकलिन जाएगा वहाँ पर और देखते हैं क्या होता है। उस माफिया के फ्रैंकलिन को पहचान लेगा या फिर नहीं पहचाने का, अभी देखता हूँ। फ्रैंकलिन इधर से अपना रेंज रोवर लेके जाएगा, क्योंकि मैंने फ्रैंकलिन को वहाँ से, मैंने जो गाड़ी चूहा कर लेके आया था ना, मैंने वहाँ से फ्रैंकलिन को दो दो गाड़ी दिया था। मैंने उन दोनों गाड़ियों को फ्रैंकलिन ने सेल करके ये रेंज रोवर लेके आया। बहुत ही तगड़ा गाड़ी है, बहुत ही मस्त गाड़ी है। अभी फ्रैंकलिन रेंज रोवर गाड़ी को लेके जाएगा, देखते हैं अभी क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना सारे गुंडा होगा, ठीक है, इसलिए कुछ सस्ता गाड़ी लेके नहीं जा सकते। रोड इतनी ट्रैफिक है तो कैसे होगा भाई, प्लीज थोड़ा साइड दे मेरे को। अबे साइड नहीं देगा तो भाई मैं पूरा ट्रैफिक रूल वगैरह कुछ नहीं मानूंगा भाई, क्योंकि वहाँ पर दो दो जाने मतलब किडनैप करके लेके चला गया। और अभी माइकल को भी बहुत ही परेशान है, इसलिए मैंने लेस्टर को मैंने बोल दिया कि मैं जरूर देख पाऊँगा और क्या आगे चल रहा है मैं सब कुछ बोलूँगा, इसलिए मुझे थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ेगा। वहाँ पर मैं कुछ भी हथियार लेके नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि एक बार अगर वो जो माफिया उसको पता चल गया ना तो खेल ख़त्म हो गया। अभी भी मुझे पता नहीं कि वो माफिया कौन है, अभी जब जाऊँगा मैं उससे, जब मीटअप करूँगा तब मुझे पता चलेगा वो माफिया कौन है। अभी मैं आ गया उसका घर पे, मतलब माफिया के
एरिया के अंदर, जो मैं देखता हूँ ये बॉडी गार्ड के हम लोग मेरे को चेक करेगा नहीं करेगा मैं देखता हूँ। ठीक है फाइनली बॉडी गार्ड ने मेरा फुल चेकअप कर लिया, बॉडी गार्ड ने मुझे परमिशन दे दिया कि बोला कि तुम अंदर जाओ, अंदर बॉस है, अंदर जाके तुम बात करो बॉस से। मैं इधर से बहुत ही धीरे धीरे गाड़ी को चला कर ले जाऊँगा क्योंकि किसी को भी शक नहीं होना दूंगा मैं। अगर किसी को भी एक बार भी शक हो गया ना तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे गुंडे लोग मेरे तक कितना मतलब पूरा मेरे तरफ ही देख रहे, पूरा मेरे को ही देख रहे ये गुंडे लोग। मैं इधर से गाड़ी को तरफ घुमा लेता हूँ, अगर कुछ दिक्कत हो गया तो मैं सीधा से भाग जाऊँगा। इसलिए मैं टाइम रहते ही कर दे रहा हूँ ये। तो गाइस अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से चैनल को वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओ भाई यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मस्टैंग मॉडल हो रहा है शायद, ये माफिया डॉन कौन है? ओ भाई ये तो डगन बॉस है भाई, मतलब माइकल ने जो गाड़ी है चूरा के लेकर आया था वो डगन बॉस का गाड़ी था, मतलब डगन बॉस पूरा लॉस सैंटोस का, मतलब डगन बॉस किसी एक और जगह का डॉन है पर अभी डगन बॉस ने सोचा कि लॉस सैंटोस के अंदर आके पूरा लॉस सैंटोस को अपने हाथ में ले लेगा, अपने कब्जे में ले लेगा। देख रहे सामने कितना मस्त मस्त बॉडी बिल्डर को लेकर बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, देखो बस। मैंने माइकल को मैसेज करके बोल दिया कि यहाँ पर लफड़ा है। मैंने अमांडा और जिमी को भी देख लिया, अभी कुछ दिक्कत नहीं है। जिमी और अमांडा ने भी शायद मेरे को पहचान लिया पर वो लोग अभी कुछ भी नहीं बोलेगा। यहाँ पर गुंडा लोग देखो मेरे तरफ कितना बुरी तरीके से देख रहे हैं मेरे तरफ, देखो बस। मैं अभी सामने जाकर माइकल को कॉल करूँगा, माइकल कॉल करके देखूँगा कि माइकल क्या बोलते हैं, ठीक है। माइकल को आने होगा कि मैं फाइट करने नहीं जाऊंगा वहाँ पर क्योंकि लफड़ा मेरे से नहीं हुआ, लफड़ा हुआ है माइकल के साथ, इसलिए माइकल जाएगा साइंस को आने के लिए। ठीक है मैंने माइकल को भी कॉल कर दिया और अभी माइकल लेस्टर और ट्रेवर ये तीनों आने वाले हैं। मैं समझे किसी एक पार्क के अंदर जगह गाड़ी को पार्किंग में लगा लगा और देखता हूँ कब तक और कितने जन आते। मैं दूर से देख रहा हूँ कि माइकल का गाड़ी दिख रहा है मेरे को, शायद मैंने शायद देखा माइकल की गाड़ी दूर पे। आ रहा है माइकल की गाड़ी, आ रहा है सामने ही है माइकल की गाड़ी। अभी मैं माइकल लेस्टर और ट्रेवर को पूरा सच्चाई बोल दूंगा कि अंदर क्या चल रहा है, कितना गुंडा है वहाँ पर, कितना बॉडीगार्ड, सब कुछ मैं लेस्टर को बोल दूंगा। उसके बाद लेस्टर माइकल को एक न्यू प्लान देगा। ठीक है फाइनली माइकल ने पूरा सच्चाई जान लिया, फ्रैंकलिन ने माइकल को सब कुछ बोल दिया ए टू जेड डिटेल्स, कहाँ पर क्या चल रहा है ना चल रहा है पूरा बोल दे फ्रैंकलिन ने। अभी इधर से माइकल अकेला जाएगा और फ्रैंकलिन ट्रेवर और लेस्टर ये तीनों साथ में चले जाएगा किसी दूसरे गांव में।
अब भी मैं जाके पूरा फाइट करूँगा, कुछ मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, अगर मैं मर गया तो मर भी जाऊँगा मैं, क्योंकि मुझे अमेंडा और जिम्मी को पूरा सेफली बचा कर लेके आना पड़ेगा, ये दोनों को। उस डॉफ माफिया डॉन का घर कहाँ पर है भाई? रोड के अंदर इतना ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है कि मैं गाड़ी को घुमा भी नहीं पा रहा हूँ। सीरियसली ब्रो, सीरियसली भाई, इतना गाड़ी को मैं घूम के नहीं लेके जा पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इधर शॉर्टकट ले लूँगा, क्योंकि मेरे को शॉर्टकट लेना पता है, मैं शॉर्टकट ले लूँगा इधर। मैं उन सब पे कंडर गुंडों का तुम्हें छोड़ने लगा, सारे गुंडों का मान कर उसको छीन कर लिए मैं निकाल दूंगा। एमेंडा और गुंडों को पकड़ के ले जाऊंगा, शायद मैं आ गया, यही है। चलो इधर बहुत ही बढ़िया फाइट हो रहा है, अभी मैं इन दोनों का मानना पड़ेगा। अबे मर जल्दी जल्दी, मेरे रेंज रोवर का पूरा बार डैमेज किया। ओ भाई, ये तो जिनमी और एमेंडा है। Hey, sorry. Hey, क्या हुआ तुम लोगों के साथ? यहाँ पर कैसे हो तुम लोग? चलो अभी मैं जिनमी एमेंडा इन दोनों का मैंने बोल दिया कि मैं तुम लोग एक टैक्सी में लेके जा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोग टैक्सी लेके घर पे चले जाओ, क्योंकि अभी मैं इस जगह का पूरा अपने हाथ में ले लूँगा, ठीक है? क्योंकि जगन बस इधर से भाग गया, इसलिए अभी ये जो बेस है, ये जो जगह है, ये अब से मेरा है पूरा। इसके अंदर जो भी राज करना है मैं राज करूँगा। अभी जल्दी जल्दी पैर चला, वो भाई टैक्सी पे आ गया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ओपी। चलो अभी इंदौर में टैक्सी के अंदर भर देता हूँ, चलो चलो गाड़ी पे चलो। फाइनली जिनमी और एमेंडा भी चला गया घर पे। अब भी मैं देखता हूँ कि मेरा जो रेंज रोवर है पूरा फुल्ली डैमेज हो गया मेरा रेंज रोवर, अभी इसको मैं रिपेयर करने वाला हूँ। और यहाँ पर चल रहे कि मस्टंग के मॉन्स्टर की जो मस्टंग है उसका चल रहा है बहुत ही तगड़ा मॉडिफाई, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा है, बहुत ही ओपी लग रहा है। और अभी मुझे साथ में करना पड़ेगा रेंज रोवर का भी मॉडिफाई, जो कि पूरा टूट गया है। तो गाइस मिलते हैं मैं किसी एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।